दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे ब्लॉक करता है तो आप कैसे ये जान पाते हैं कि असल में मैं ब्लॉक हो चुका हूं। आज मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मेरे पास ये दो मोबाइल हैं, तो लाइक ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है मैंने एक लाइक एक लड़की समझ ले, जो भी समझ ले, ये मैंने पिन किया हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इनको क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी ये ऑनलाइन जो है मुझे शो हो रही है, जो कि इस मोबाइल में ये व्हाट्सअप जो है लॉगिन है। और अगर मैं यहाँ पे मैसेज कर लेता हूँ लाइक हाय का, तो आप दोस्तों देखेंगे कि इस मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ पे एक मैसेज जो है वो मुझे आ गया है। तो अब दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इस मोबाइल को लाइक अपने आप से जो है ब्लॉक कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे वो बंदा जो है आपको ब्लॉक कर लेता है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि मैं अब टोटली ब्लॉक हो चुका हूँ। उसके बाद मैं जैसे इस नंबर को ब्लॉक कर लेता हूँ, तो सबसे पहला जो काम ये होता है कि उसकी जो DP है वो आपके मोबाइल से गायब हो जाती है। सबसे मेजर पॉइंट आप लोग को लाइक एक आइडिया हो सकता है कि अब मैं ब्लॉक हो चुका हूँ। आप दोस्तों देख सकते हैं कि उसकी DP पहले शो रही थी, लेकिन अब जब उसने ब्लॉक कर दिया तो आप उसकी DP जो है वो गायब हो जाती है आपके मोबाइल से। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ सेकेंड कि अगर आप इनको कोई मैसेज करते हैं लाइक अगर मैं इनको कोई मैसेज कर लेता हूँ लाइक हाय का, तो आप दोस्तों देखेंगे कि वो हाय का मैसेज जो है वो उस मोबाइल को लाइक नहीं जाता, वो रिसीव नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे सेंड कर लेता हूँ, तो सेंड करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस मोबाइल को अब मैसेज नहीं आया। और यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक लाइक टिक जो है वो शो कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैसेज जो है व्हाट्सअप के सर्वर को तो चला जाता है, लेकिन जो व्हाट्सअप का सर्वर है वो इस मोबाइल में नहीं सेंड कर रहा होता। और जब लाइक वो व्हाट्सएप का सर्वर इस मोबाइल में सेंड कर लेते हैं तो दो टिक बन जाते हैं, और जब वो देख लेते हैं तो यहाँ पे ब्लू टिक बन जाते हैं। तो आप इजीली ये भी लाइक जान सकते हैं अगर आप उनको मैसेज करते हैं और वो लाइक नेटवर्क का मसला हो सकता है, लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हैं और यहाँ पे टिक लाइक एक टिक जो है आपको शो हो रहा है, तो आप ये लाइक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अब ब्लॉक हो चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ एक और चीज़ कि आप इनको अगर कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद वो कॉल जो है वो लाइक नहीं लग रही उसको, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैं इनको कॉल कर रहा हूँ तो बेसिकली कॉल भी इनको नहीं लग रही। तो आप ये भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब मैं जो है लाइक ब्लॉक हो चुका हूँ और अब बार बार जो है कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल आपकी अटेंड नहीं हो रही। इससे भी आपको एक आइडिया हो सकता है कि मैं अब ब्लॉक हो चुका हूं। और सबसे जो मेजर ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि उसका DP भी हाइड हो सकता है, नेटवर्क का भी मसला हो सकता है, जो मेन पॉइंट है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक ग्रुप बनाना है। अगर वो लाइक कॉन्टैक्ट जो है उस ग्रुप में ऐड होता है तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं अभी मैं लाइक ब्लॉक नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके ग्रुप में वो ऐड नहीं हो रहा तो आप ये समझ जाएं कि अब मैं टोटली ब्लॉक हो चुका हूँ। तो चलो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लाइक एक ग्रुप बनाएंगे। लाइक यहाँ पे न्यू ग्रुप पे जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे वो आयशा का नाम दे देता हूँ जो कि मेरे मोबाइल में था। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, और जैसे मैं आयशा को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे उस ग्रुप को लाइक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा कि ये मेरे मोबाइल में लाइक ये जो आयशा है, ये जो ग्रुप है, इसमें ये ऐड नहीं होगी। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, और जैसे मैं लाइक यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रुप ऐड तो हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि वो आयशा जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन आपको शो हो रहे जिसमें एक आप हैं और आयशा जो है। तो इससे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार उस बंदे ने आपको टोटली परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। तो ये कुछ रीज़न थे जो कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं अब ब्लॉक हो चुका हूँ नहीं हो चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एक सिंपल सी ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में।